नमस्कार गोवर्धन्स में स्वागत है। बिल्कुल कम मसाले वाली और टेस्टी फराली खिचड़ी बनाने के लिए आधा कप श्यामा चावल लेना है और अच्छे से धोकर चार गुना पानी में दो घंटे के लिए हमें भिगो लिया था और एक पैन में तीन चम्मच जितना तेल डालकर तेल में जीरा हो जाए तब तक पका लेना है। हरे धनिए की डंडी, तीखी वाली हरी मिर्च और करी पत्ता डालकर हिला लेना है और उसमें 400 ग्राम लौकी का एकदम छोटा पीस डालकर हिला लेना है। उसमें सेंधा नमक और हल्दी डालकर अच्छे से हिला लेना है और ढककर पकने देना है। 5 से 7 मिनट बाद ढक्कन खोलकर हिलाकर भिगोया हुआ श्यामा चावल डाल देना है। भिगोया हुआ चार गुना पानी ही साथ में डाल देना है और अच्छे से हिलाकर ढक देना है और बिल्कुल धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट पकने देना है और बीच बीच में चेक कर लेना है। जब तैयार हो जाए तब मरी पाउडर और हरा धनिया डालकर हिला लेना है। और सर्व कर लेना है। तो तैयार है श्यामा और लौकी की खिचड़ी। रियली फ्रेंड्स, ये खिचड़ी स्वाद में अच्छी लगती है। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।